दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स। सोना खरीदो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि योजना। सोलन में हिमाचल उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या धमाकेदार रही, जिसमें उपस्थित दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। कार्यक्रम में उद्योगपति रामलाल गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, वहीं विजेंद्र गर्ग विशिष्ट अतिथि रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जहां एक और स्थानीय युवाओं ने शानदार नृत्य की प्रस्तुतियां दी, वहीं हिमाचल के जाने माने दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार के भारद्वाज अनुषा जोशी, हिमाचल आइडल सुदर्शन दीवाना, राजेश बबलू और सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र निटू ने एक के बाद एक मधुर गीत गाकर सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। गीता आदर्श विद्यालय, यूरोकिड्स सोलन पब्लिक स्कूल और जीनस ग्लोबल स्कूल ने दर्शकों में नृत्य के माध्यम से देशभक्ति का जज्बा गाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि रामलाल गर्ग ने आयोजन कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और उपस्थित दर्शकों को हिमाचल उत्सव की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की परंपराओं को इस तरह के उत्सव ही जीवित रखे गए हैं, लेकिन इस तरह के उत्सव भविष्य में होते रहे, इसलिए हमें इन संस्थाओं की मदद के लिए भी आगे आकर सहयोग भी करना चाहिए। सभी सदस्यों और मेंबरों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपके समक्ष बोलने का मान प्रदान किया। मैं आप सभी सोलन शहरवासियों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो इस लोक संस्कृति दे इस महान अवसर से आनंद भी उठा रहे हैं और इसका इसमें अपना अपना योगदान भी दे रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवादी हूँ इन सभी कलाकारों का जो यहाँ पर इतनी शानदार प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे अवसरों का आनंद तो हम सब लोग उठाते हैं और जब जब ये ऐसे अवसर आते हैं हम अपने मन से बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। पर ऐसे अवसरों पर ज़रूरत इस बात की भी है कि हम सब लोग जो इसका आनंद भी उठाते हैं, इसका इसमें भागीदार भी बनते हैं, इसको और आगे बढ़ाने के लिए ऐसी संस्थाओं का सहयोग भी हम सबको करना चाहिए। सोलन का भगत बैंक मना रहा है अपनी स्थापना का 50वां वर्ष। इस उपलक्ष में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लाया है भगत स्वर्ण जयंती योजना, जिसमें साल भर के लिए अपने खाते में 1,00,000 रुपए रखने पर मिलेगा 8.5% ब्याज और सीनियर सिटीजन के लिए 9% ब्याज। योजना का लाभ लेने के लिए आज ही भगत बैंक की किसी भी शाखा में संपर्क करें।